सर ट्रेन करेक्ट टाइम पर छूटेगी ना? हाँ भाई, ये ट्रेन हमेशा करेक्ट टाइम पे ही छूटती है। ओके सर। अच्छा सुनो, जाओ और जाकर सीट नंबर 37 पे बैठो। कारवार एक्सप्रेस सही है क्या? हाँ भाई यही है। अरे बाप रे, क्या हुआ? ओ गॉड, यस एंथोनी, जल्दी आजा, आते। अब पकड़ो। थैंक यू माय डियर मुन्ना भाई, MBBS। कमाल करता है यार, तुझे टाइमिंग सेंस नहीं है। एक्सक्यूज मी, टाइम सेंस के बारे में मुझे मत बताना। जैसे क्रिकेट में कैप्टनशिप के लिए महेंद्र सिंह धोनी को, उसी तरह जैसे आमर अकबर एंथोनी। तो फिर लेट क्यों हो गया? वो क्या है, साउंड पोल्यूशन कम करने के लिए अलार्म ऑफ कर दिया था, इसीलिए टाइम पे उठ नहीं पाया यार। हे भगवान, मैंने तेरे से कैसा दोस्त मांगा था और तूने कैसे कैसे दोस्त मिलवा दिए मुझसे। चिंता क्यों करते हो, वहाँ देखो। लोकल बस है जो रुक जाती है। हेलो मैडम, हमारा ये लड़का कितने सालों से पुल टॉक की तरह इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा। सडनली आपने एंट्री ली और इसने शाहरुख खान की तरह आपको अंदर ले लिया। कम से कम थैंक्स तो बोलिए, मेरा मतलब धन्यवाद। अपनी कृतज्ञता दिखाइए, सामने वाले का एहसान मानिए, या जो भी भाषा आपको आती है आप आभार व्यक्त कीजिए। बहरी है क्या? जिसे जानता है उसे कोई थैंक्स कहता है क्या? तुम इसे जानते हो? हम दोनों हाई स्कूल से ही क्लासमेट्स हैं। इतने सालों तो कहाँ चली गई थी धनलक्ष्मी? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। एक्सक्यूज मी, सॉरी, एक्सक्यूज मी। तुम कंबाइंड क्लास कौन सी रेंज में कर रहे हो, ये उस लड़की के बात करने से पता चल रहा है। मुन्ना, देखने में तो वो मॉडर्न मोनालिसा जैसी दिखती है, लेकिन उसका नाम ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा जैसा क्यों है? उस ब्लैक एंड व्हाइट हीरोइन के पीछे कलरफुल फ्लैशबैक है। 10 साल पहले मेरा एक दोस्त विवेक इसे डीप लव करता था। मैं, विवेक और धनलक्ष्मी एक ही स्कूल में पढ़ते थे। विवेक स्कूल की हर लड़कियों को लव लेटर दिया करता था, सारी लड़कियां उसे रिजेक्ट करती थी, बाकी बची धनलक्ष्मी। मुन्ना, मैं धनलक्ष्मी से प्यार करता हूँ, तू मेरी हेल्प कर दे प्लीज। यार वो आ रही है। हाय मुन्ना। हाय धनलक्ष्मी। हाय धनलक्ष्मी। गेट लॉस्ट। चल अब क्लास में चलते हैं। मुन्ना, धनलक्ष्मी को ये रोज तुम पास कर दोगे क्या प्लीज? मुन्ना, मैंने अपने पापा की जेब से 25 रुपए चुरा के फ्रेंडशिप डे के लिए मैंने ये की चेन खरीदी है, तुम मेरा नाम बोल के धनलक्ष्मी को दे दोगे क्या? हाँ। हैप्पी फ्रेंडशिप डे धनलक्ष्मी। थैंक यू मुन्ना। मेरे पॉकेट मनी से खर्च करके लाया हूँ, संभाल के रखना धनलक्ष्मी। सो स्वीट ऑफ यू। उस स्टूपिड विवेक से दोस्ती क्यों कर ली तुमने? धनलक्ष्मी ने कीचेन ले ली। उस दिन स्कूल का लास्ट डे था, विवेक के लिए मैंने धनलक्ष्मी को प्रपोज किया। धनलक्ष्मी, विवेक तुमसे बहुत प्यार करता है। एक्चुअली विवेक लव्स यू वेरी मच। व्हाट यू फील अबाउट हिम? उस स्टूपिड विवेक को बता देना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरे लिए तो मेरी स्टडी और मेरी फैमिली ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुन्ना, ये
ये जमीन गोल है। बचपन में जिस लड़की ने विवेक को रिजेक्ट कर दिया था, आफ्टर सिक्स ईयर वो लड़की भागती हुई अचानक ट्रेन के अंदर आ गई। तो अब उस लड़की को और विवेक को तुम्हें मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। पहले ही रिजेक्ट कर दिया तो अब कैसे मानेगी? अरे क्यों नहीं मानेगी, वो विवेक को भाई क्या करे, देख के जाना, पैर दबा दिया। क्या विवेक के पास दिमाग नहीं है, उसके पैर या हाथ नहीं है, या उसकी आंखें नहीं है, या उसके पास ये नहीं है वो नहीं है, क्या वो मर्द नहीं है क्या? स्वाति, जब भी तुम पार्लर में आती हो मेरा दिल धक धक करता है, सच कह रहा हूँ, प्लीज मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लो। देखो विवेक, प्यार जो होता है ना वो खूबसूरत फूल के जैसे होता है, उसकी खुशबू अपने आप फैलनी चाहिए। Let's be friends, no? फोन करो उसे। इस वक्त फोन करूं? शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। लोहा जब गर्म होता है तभी उस पर वार करना चाहिए, जब डिस्काउंट होता है तभी खरीदारी करनी चाहिए। फोन मिला क्या? हाँ मिला। अभी कौन फोन कर रहा है? देखो ना। एक्सक्यूज मी। हाँ बोल। हेलो विवेक। अरे यार स्वाति भी मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अरे उसके लिए तू क्यों चिंता कर रहा है, तेरा पुराना अकाउंट रीओपन हो गया है। धनलक्ष्मी इज बैक। धनलक्ष्मी क्या, स्कूल वाली? मेरे साथ ट्रेन में ट्रैवल कर रही है वो। ऐसा क्या? अगर चाहे तो एंथोनी से पूछ ले, ये लो उसे बात कर। मैं बात करता हूं। सुनो विवेक, मुन्ना ने मुझे सारी बातें बता दी हैं। सुन, 2G के टाइम में तेरा प्यार कनेक्ट नहीं हुआ था, 4G का टाइम चल रहा है, डाउनलोड करके दूंगा, चिंता मत करो। ऐसा दोस्त मिला है जरूर, मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे। थैंक यू सो मच। अरे यार इतना एक्साइट होने की जरूरत नहीं है मेरे इस काम के लिए, अगर कुछ दक्षिणा वगैरह। समझ गया एंथोनी, तू बस मुझे 5 मिनट दे दे, मैं तेरे अकाउंट में भी 5,000 रुपए डाल देता हूँ। सुपर। हे, तेरा दिल बहुत बड़ा है यार, तुम्हारा काम करके मुझे बहुत मजा आएगा। अकाउंट नंबर सेंड करता हूँ अभी। अच्छा सुन, एक काम कर, तू तैयार होकर के जल्दी से शादी के मंडप में पहुँच जा, हम लोग लड़की को लेकर सीधा वहीं पर आएंगे, देखते हैं आज तेरा काम कैसे नहीं होता है। एंथोनी 5,000 रुपए नहीं 10,000 डाल रहा हूँ यार, 10,000। थैंक यू वेरी मच। धन लक्ष्मी क्या फीलिंग है यार। स्वाति तुम अपने पार्लर का बिल खुद ही पे कर देना। निकल ले बेटा। मन्ना कान इधर लाओ। लेट्स स्टार्ट योर ऑपरेशन। ए, झाड़ को झुकाने के लिए डाली पकड़नी चाहिए, पानी लेने के लिए लोटा लेना। टाइमिंग नहीं है तो राइमिंग डायलॉग मत बोल। अब क्या करना है, सीधे मैटर पे आ। मैटर सिर्फ इतना नहीं है, उस लड़की को पटाने के लिए उसके आजू बाजू के लड़कियों को ठिकाना है, लगाना है और जमाना है। आना हो तो आओ, नहीं तो मैं जाता हूं। मेरी साथ रहेंगी लड़कियां, इधर है। जगह खाली हो तो बैठना, फ्रेंडशिप के लिए कोई पूछता थोड़ी है। थैंक यू, मैं थोड़ी शिफ्ट हो जाती हूं। तेरे बगल में कितनी अच्छी लड़की है। हाय, बाय द वे, आई एम राधिका। आई एम मुन्ना। राधिका, राधिका, क्रिस्ट वाली राधिका यार। शी इज राम्या। हेलो राम्या, कितनी सुंदर हो तुम। ये रचिता है। ओ रचिता, सो ब्यूटीफुल। आई एम अमूल्य। अमूल्य, तुम्हारे गाल देखकर ही पता चल गया कि तुम अमूल्य ही होगी। अरे यार, फिल्म इंडस्ट्री की सारी हीरोइनें आज ट्रेन में ही सवारी कर रही हैं। किसी मॉल की ओपनिंग है क्या? व्हाट गर्ल्स, आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। ओह थैंक यू। देखा लड़कियाँ कितनी समझदार होती है, तुरंत समझ आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप हाथ नहीं देते तो हमारी धनलक्ष्मी की ट्रेन मिस हो जाती। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो एटीट्यूड है वो आपके दोस्त में नहीं है। वन थैंक्स तो क्या, एटलीस्ट एक स्माइल भी तो नहीं दी। एक स्माइल तो देनी चाहिए ना, ये तो मानवता है। अरे क्या हुआ, गुस्सा हो गई क्या? इसे मनाना बड़ा मुश्किल है। अरे यार, अरे सुनो, ये धनलक्ष्मी हाई हील पहन के रैंप वॉक करने वाली है, हमारे लिए बिल्कुल लक्ष्मी की तरह है। बैठा क्यों है? उसके पीछे जाओ जो। सॉरी। हेलो, क्या हो गया तुम्हें? जब देखो तब हमेशा अपना मुंह फेरती रहती है, कोई प्रॉब्लम है? अगर मन में कोई बात है तो खुलकर कहो ना। देखो ना, इतने सालों में क्या क्या हो गया। सानिया मिर्जा की शादी हो गई, शाहरुख खान का तीसरा बच्चा पैदा हो गया, सचिन तेंदुलकर ने रिटायरमेंट भी ले ली, देश में इतना सब कुछ हो गया, लेकिन आप है कि वही साइलेंस, वही रिएक्शन। मैडम, लाइफ में थोड़ा सा अपडेट हो जाओ, कभी कभी स्माइल भी तो करती रहो, सेहत के लिए अच्छा रहता है। बिना वजह के हंसी को नॉनसेंस। टॉक टाइम खत्म हो गया था ऐसा सोचा था मैंने, लेकिन बड़ा दिल रख कर बात की तुमने। अमिताभ बच्चन की फिल्म देखकर जो खुशी मिलती है वैसी खुशी हो रही है मुझे। विवेक, बहुत मुसीबत में है तू। ढूंढ रही हो तुम? फ्रेंड्स को। फ्रेंड्स को?
उन लोगों को तो एंथोनी कब का लेकर चला गया होगा। अब तक तो अंताक्षरी शुरू भी हो गई होगी। वो छोड़ो धनलक्ष्मी, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। तुम क्या पूछने वाले हो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मेरा ओपिनियन चेंज नहीं होगा। अरे मैं वो नहीं पूछने वाला हूँ जो तुम सोच रही हो धनलक्ष्मी। जब हाई स्कूल में थी तब तो इतनी बुरी दिखती थी, लेकिन अब ये ग्लैमरस ब्यूटी कहाँ से बन गई? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर ब्यूटी एंड ग्लो? एलईडी बल्ब निकल लिया है क्या? वो क्या चॉकलेट है खाने के लिए? क्या स्माइल है यार। व्हाट इज दिस यार? दिस इज अ रेस रूम। I'll just wait and watch. Yeah. Actually, वहाँ से race start होगी. Mm-hmm. So the bikes goes up from here, mm-hmm. and it has to be jumped through all the stages and then complete. इसे double jump कहते हैं. वैसे तुम क्या कर रही हो यहाँ? क्या तुम मुझे follow कर रहे हो? Follow? मैडम, मैं यहाँ race के लिए आया हूँ. Race के लिए? मतलब popcorn बेचने के लिए? Hello, hello. इतनी भी बेइज्जती मत करो. नाम चरण है। लास्ट ईयर ही वो सर रनर अप। डेफिनेटली ये रेस वही जीतेगा। तुम भी उसी की फैन हो क्या? सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पर सभी उसी की फैंस हैं। तुम भी उसे सपोर्ट करो ना। सॉरी मैडम, चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती, वैसे ही सबकी तरह ये मुन्ना नहीं है। भाई मेरा सपोर्ट तो प्रोडक्ट को है, एडवर्टाइज को नहीं। बस बस बहुत हुआ, चलो। रेसिंग अच्छी कर लेते हो, पर ज्यादा खुश मत हो। ऐसे प्रैक्टिस करने वाले को मैंने बहुत देखा है, समझे ना बच्चे? अगर दम है तो कल रेस जीत के दिखा। बॉस, ताकत मेरा सरनेम है और चैलेंज मेरा ब्लड ग्रुप है, तो ये दोनों तो हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं।